आपका स्वागत है बॉलीग्राड के गलियारों में। हम बात करने जा रहे हैं दबंग 3 के बारे में। दबंग 3 पर 4 वीडियो बनाई जा चुकी है। इस वीडियो में बात करेंगे कौन है दबंग 3 का विलेन और कौन सुपरस्टार सलमान का दीवाना। आजकल सलमान खान की तुलना किस सुपरस्टार से की जाती है और दबंग 3 के बारे में सलमान खान की क्या राय। इसके अलावा तीनों खानों में कौन खान है जो अभी भी सबसे फिट है और यंगस्टर एक्टर में कौन एक्टर है जो फिट रहना चाहता है सलमान की तरह। जैकलीन की क्या सोच है सल्लू के बारे में। कौन एक्टर है जो डांस के लिए 32 करोड़ रुपए ले रहा। कलंक फिल्म में किस किस को साइन किया गया। भारत का कौन फिल्म मेकर है जिसका स्टैचू मैडम तुसाद में लगेगा। अभिषेक बच्चन ने अभी किस फिल्म की शूटिंग खत्म की। आखिर क्या कारण है कि आमिर खान ठग साफ हिंदुस्तान की 1 महीने शूटिंग नहीं करेंगे। इन सारे प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए पूरी वीडियो को अंत तक देखें। प्रभु देवा और सलमान खान एक साथ दबंग 3 लेकर आ रहे हैं, ये बात तो सभी को पता, लेकिन क्या पता है कि दबंग 3 में विलेन के लिए किससे बात चल रही है। मीडिया खबरों की बात माने तो सुपरस्टार जगपति बाबू विलेन के रूप में नजर आएंगे। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सबसे महंगे विलेन के रूप में जाने जाते हैं। अब उन्हें हमारे प्यारे चुलबुल पांडे के साथ स्क्रीन पर टकराते हुए देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। फिल्म के सुपरस्टार विक्रम से जब पूछा गया कि आपके सबसे पसंदीदा एक्टर कौन है तो विक्रम ने कहा कि सलमान खान। कारण पूछने पर विक्रम ने बताया कि सलमान खान इकलौते ऐसे एक्टर हैं जिन्हें मूवी में कहानी की जरूरत नहीं पड़ती। सलमान का करिश्मा ही काफी है, वे असली सुपरस्टार। यही नहीं, विक्रम की पत्नी भी सलमान खान की फैन, वो चाहती है कि विक्रम भी सलमान खान की तरह बन जाए। डैनी का मानना है कि जैसा 80 के दशक में अमिताभ बच्चन का जलवा था, वही जलवा भी सलमान खान का, क्योंकि 80 के दशक में अमिताभ की एक छींक पर सभी फैन पागल हो जाते हैं। वरुण धवन रेमो डिसूजा की बिग बजट डांस फिल्म में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में उनके अपोजिट कैटरीना कैफ होंगी। कहा जा रहा है वरुण को इस फिल्म के लिए 32 करोड़ रूपए दिए जाएंगे, वहीं कैटरीना को इसके लिए सिर्फ 7 करोड़ रूपए मिलेंगे। करण जौहर साजिद कलंक बनाने जा रहे हैं। इस फिल्म की शूटिंग बुधवार से शुरू हुई है और साथ ही इसका पोस्टर भी जारी कर दिया गया। इसमें माधुरी दीक्षित, संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा, आलिया भट्ट, वरुण धवन और आदित्य राय कपूर नजर आएंगे। ये फिल्म अगले साल 19 अप्रैल 2019 को रिलीज होगी। आपको बता दें ये वही फिल्म है जिसमें पहले माधुरी दीक्षित की जगह श्रीदेवी को काम करने वाली आपको बता दें ये वही फिल्म है जिसमें पहले माधुरी दीक्षित की जगह श्रीदेवी काम करने वाली लेकिन उनके निधन के बाद इसमें माधुरी दीक्षित को फाइनल किया गया। ये एक पीरियड ड्रामा फिल्म होगी। अभिषेक बच्चन ने अनुराग कश्यप के निर्देशन में बनने वाली फिल्म मनमर्जिया की शूटिंग पूरी कर ली। अब उन्होंने अपना रुख अगले प्रोजेक्ट की तरफ किया। कहा जा रहा है अभिषेक बच्चन के साथ एक फिल्म में नजर आएंगी प्रियंका चोपड़ा। अभिषेक बच्चन का मानना है फिल्म बनाना एक सफर की तरह होता, एक ऐसा सफर जो हमेशा याद रखा जाता है। मैं अनुराग कश्यप का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया। मुझे उम्मीद है कि मैं उनके भरोसे पर खरा उतरूंगा। जब भी वे पलटकर इस सफर को देखेंगे तो मेरे जीत आपकी स्माइल में होगी। जौहर बॉलीवुड के पहले ऐसे फिल्म मेकर कहलाएंगे जिनका वैक्स स्टैचू मैडम तुसाद म्यूजियम में लगे। अमिताभ बच्चन पहले एशियन और बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं जिनका वैक्स स्टैचू मैडम तुसाद में लगाया गया। 2004 में ऐश्वर्या राय ऐसी पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस बनी जिनका स्टैचू मैडम तुसाद लंदन में लगाया गया। शाहरुख का स्टैचू सबसे पहले 2007 में लगाया गया था। 2006 में ऋतिक का स्टैचू मैडम तुसाद में लगाया गया। इस स्टैचू को विजिटर सबसे ज्यादा बार किस कर चुके हैं। 2015 में कैटरीना को भी मैडम तुसाद लंदन में जगह मिली। उनके वैक्स स्टैचू को 20 आर्टिस्ट ने मिलकर बनाया था। सलमान खान का स्टैचू पहले 2008 में मैडम तुसाद लंदन में और फिर 2012 में मैडम तुसाद न्यूयॉर्क में लगाया गया। आमिर खान अगले 1 महीने तक ठग साफ हिंदुस्तान की शूटिंग से दूर ही रहेंगे। फिल्म से जुड़े सूत्रों ने बताया कि अभी आमिर फिल्म से जुड़े हुए कोई काम नहीं कर पाएंगे, हालांकि इस बीच वो फिल्मों से जुड़े कुछ छोटे मोटे काम करते रहेंगे। दरअसल आमिर इन दिनों पानी फाउंडेशन से जुड़े काम में व्यस्त है। इन दिनों मुंबई से दूर महाराष्ट्र के गांव में जल संरक्षण को लेकर जागरूकता अभियान में लगे हुए। बॉलीवुड में सलमान खान ने बॉडी बनाना शुरू किया था और उसके बाद इस आदत को सभी ने फॉलो करना शुरू किया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सलमान ने इस तरह की एक नई क्रांति की शुरुआत और उसके बाद एक्टर फिल्मों में आने से पहले बॉडी बनाते हैं। हाल ही में रेस 3 की एक्ट्रेस जैकलीन ने कहा कि बॉलीवुड में सलमान खान और टाइगर श्रॉफ सबसे फिट अभिनेता। टाइगर के बारे में भला कौन नहीं जानता है। हाल ही में रिलीज हुई उनकी फिल्म बागी 2 में आपने टाइगर की फिटनेस को देखा ही होगा। इसके अलावा सलमान खान तो अब उम्र के उस पड़ाव में हैं जब लोग मेहनत करना बंद कर देते हैं। हालिया रिलीज सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है में सलमान खान ने शर्ट उतारी तो लोग उनकी फिटनेस के फैन हो गए थे। यही कारण है कि जैकलीन ने यह बात बोल दी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिल्म से जुड़ी हुई चटपटी बातें जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड।